अभी हम निकल चुके हैं जो हमने सोचा था उसे फुलफिल करने के लिए, और अभी हम सब कंफ्यूज है कि हम कहाँ जाएंगे, हमें भी नहीं पता। तो हम जहाँ पे जाएंगे आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर। मैं हूँ सपना खन्ना आपकी होस्ट, और हम बहुत कंफ्यूज थे कि अब हम कहाँ जाएं, क्या बनाएं, कैसे करें। तो बहुत सोचने के बाद हम लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम आज जो अपना अमाउंट सिर्फ अपने पे स्पेंड करते थे वो हम आज करेंगे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर। तो फाइनली हम इस डिसीजन पे पहुंच गए कि हम बनाने वाले हैं 100 sandwiches। यस यू आर राइट, अभी बिल्कुल सही सोचा, हम 100 sandwiches बनाएंगे। एंड विद गॉड्स ग्रेस हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। आज जो मेकिंग है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और चलिए मेकिंग की तरफ। तो अब मैं आलू को उबालने के लिए डाल रही हूँ। ये हमने जो आलू लिए हैं 2.5 kgs आलू, और अब ये धुलेंगे और जाएंगे प्रेशर कुकर में। तो अब हम इन आलूओं को करेंगे बॉयल अच्छे से, एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रोसीजर जिसमें हम बनाएंगे हमारे सैंडविचेस। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर इसमें डालेंगे सॉल्ट एंड वाटर। कहते हैं कि अगर आलू उबालते हुए उसमें नमक डाल दिया जाए तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ अनियंस जिन्हें हम करेंगे अब वॉश। इस तरह से चॉप कर लेंगे, एंड चॉप करने के बाद गाइस हमारे जो अनियंस हैं वो चॉप हो चुके हैं, पोटैटोस बॉईल हो चुके हैं, और अब मैं जा रही हूँ इस कोरिएंडर को वॉश करके चॉप करने के लिए। और इसी के साथ मैंने कुछ ग्रीन चिलीज भी लिए हैं जिन्हें मैं चॉप करूंगी। बॉयल हो चुके थे, अब मैं उन्हें फटाफट से क्लीन करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने उन्हें डिप कर दिया है ठंडे पानी में। अब हमारा मटेरियल सारा रेडी हो चुका है, बॉइल्ड पोटैटोज, अनियन, कोरिएंडर एंड ग्रीन चिली। अब हम इसको मिक्स करेंगे और रेडी करेंगे हमारा बैटर। सबसे पहले हम करेंगे इन्हें मैश। मुझे लगता था ये काम थोड़ा सा इजी होगा, बट जेन्युइनली स्पीकिंग इट्स क्वाइट टफ जॉब। 100 sandwiches बनाना इज नॉट एन ईजी टास्क, बट गॉड ग्रेस से वी आर ट्राइंग आर बेस्ट। तो देखते हैं क्या रिजल्ट होता है और कितनी देर लगती है हमें इस प्रोसेस में। अनियंस, देन ग्रीन चिली, एंड आफ्टर ग्रीन चिली दिस कोरिएंडर। बैटर में हम बहुत ज्यादा स्पाइसेस ना डाल के, वी आर जस्ट यूजिंग टाटा सॉल्ट, देन दिस रेड चिली पाउडर एंड दिस अनारदाना, जिसे मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, यस पोमग्रेनेट सीड। तो हम इन तीनों का यूज करेंगे मसाला के लिए, बस दैट्स इट। तो हमारा रेडी हो चुका है बैटर, और साथ में हमने यहाँ पे लिए हैं ब्रेड्स
और बटर लिया है हमने, जिसे अब हम ब्रेड में फिल करके रेडी करने वाले हैं हमारे सैंडविचेस। सो बने रहिएगा, अगर कोई फीडबैक हो, आपको लगता है कि इसमें मैं कुछ और भी अच्छा ऐड ऑन कर सकती हूँ फ्यूचर में, तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उन चीजों को भी ऐड करके इसे और भी टेस्टी बना सकूँ। तो चलिए बनाते हैं हमारे सैंडविचेस एंड लेट्स स्टार्ट। अब हम लगाने वाले हैं हमारा बैटर, जिससे कि बस हमारा जो मेजर अब इसके बाद काम रह जाएगा वो रह जाएगा इनको ग्रिल करना। तो हम इस तरह से सब पे इन्हें स्प्रेड करते जाएंगे। अब मैं ऐसे ही अपने सारे सैंडविचेस को रेडी कर लूँगी और फिर हम इकट्ठे ही इन्हें लगा देंगे हमारे ग्रिलर में, ताकि फटाफट से ये रेडी हो जाए और हम गरम गरम इन्हें सर्व कर सकें। थक गई थी तो अब मैं बेडरूम में अपना सारा सामान ले आई हूँ एंड हम इसी में ही अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं सैंडविचेस को। और एज यूजुअल हमारा मंकर डैंग टीम हमारे साथ है, जो हमारी हेल्प कर रहा है पैकिंग टीम में। मेरे सबसे पहले हो चुके हैं बहुत सारे सैंडविचेस, सी ये मैंने किए सारे। मेरी बराबर फिनिश हो गई है सर, मेरी एक हो चुकी है। अगर आप ध्यान से देखें ना, मेरे सारे लग चुके हैं भाई, एक बार ध्यान से देख लो। मैंने सबसे पहले किया और मेरी स्पीड सबसे ज्यादा बढ़ी है। तो फास्ट करते हैं, हम स्लो कर रहे हैं। यार हम हाउस वाइफ ऐसी होती है, पता है हाउस वाइफ जो काम करती है ना तो ऐसे ही होता है, हमें आदत है स्पीड से काम करने की। हाउस मैन कब से हाउस मैन हो गए, अभी डॉली वाइफ को बुलाते हैं। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं सैंडविचेस, जिन्हें अब हम करने जा रहे हैं ग्रिल। विद गॉड ग्रेस हमने 100 सोचे थे, बट ये उनसे भी ज़्यादा तैयार हो चुके हैं। जिसे ये देखिए, इसमें हमने लेयरिंग की है, जो बैटर हमने डाला था आपको बताया था उसकी, और अब हम इसको करने वाले हैं फटाफट से ग्रिल। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। यहाँ पे मैं इन बटर को पहले थोड़ा सा मेल्ट करूंगी, रीज़न बीइंग जब हम इसे अप्लाई करेंगे ग्रिलर पे तो वो बहुत जल्दी से अप्लाई हो जाता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मैं इनको माइक्रोवेव करूंगी फॉर मैक्सिमम 1 to 1.5 मिनट एंड देन इट इज डन। अब रेडी हो चुके हैं हमारे सैंडविचेस विद गॉड ग्रेस, हमने 100 सोचे थे बट जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये 100 से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ ये शेयर करने के लिए। सो हम आपको मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, बने रहिएगा हमारे साथ और जाते हैं सैंडविचेस। ओ माय गॉड, आई फॉरगॉट, एक बार मैं इनको थोड़ा सा कट कर लूं क्योंकि बाद में शायद हमें इतना टाइम ना मिले। सो मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अभी हम निकल चुके हैं जो हमने सोचा था उसे फुलफिल करने के लिए, और अभी हम सब कंफ्यूज है कि हम कहाँ जाएंगे, हमें भी नहीं पता। तो हम जहाँ भी जाएंगे आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सीसगंज गुरुद्वारे, और यहाँ पे की प्रसाद जो है हम लोग शेयर करेंगे और मिलते हैं आपसे फिर से थोड़ी देर में। आफ्टर हैविंग ब्लेसिंग तो हम जा रहे हैं घर की ओर, और ये टाइम हो चुका है 1:30 बजे हैं रात के, हवा बहुत तेज चल रही है, टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें। हैप्पी विंटर्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।